हमारे परम गुरु जी श्रीला प्रभुपाद जी का वैशिष्ट्य बतलाते हुए कहते थे, बोलता रहूं ना, सुनते रहोगे तो। हमारे परम गुरु जी श्रीला प्रभुपाद जी का वैशिष्ट्य और उनका मत बतलाते हुए कहते थे कि परम गुरु जी कहते कि श्रीला प्रभुपाद कीर्तन विग्रह थे। कीर्तन विग्रह समझते, अर्थात श्रीला प्रभुपाद नवदा भक्ति के जो नौ अंग है ना, श्रवण कीर्तन विष्णु स्मरण, इसमें जो कीर्तन अंग है इसका पालन करने पर विशेष जोर देते थे। प्रभुपाद जी ने लिखा भी है ना, कीर्तन प्रभावे स्मरण होइबे, अर्थात कीर्तन के प्रभाव से ही सब कुछ होगा। तो भक्ति के नवदा भक्ति के इस कीर्तन अंग पर प्रभुपाद जी बहुत बल देते थे। और प्रभुपाद जी स्वयं कहते थे कि मठ मंदिर रहे, ठाकुर जी रहे, ये स्थापित हो, ये पांचरात्रिक मत है, किंतु जो लोग हाई क्लास बेटर क्लास है, ये श्रीला प्रभुपाद जी के वर्ड थे, जो लोग हाई क्लास बेटर क्लास है वो लोग गौरवाणी का प्रचार करेंगे। तो भक्ति के जो एक कीर्तन अंग है, इस कीर्तन अंग पर श्रीला प्रभुपाद बहुत बल देते थे, किंतु कीर्तन करने का अधिकारी कौन है? देखना गुरु जी के जीवन में कैसे आदर्श दिखलाई देता है, कैसे एक एक गुण प्रस्फुटित हो रहा है, खिले हुए कमल के समान एक एक गुण दिखलाई दे रहा है। कीर्तन करने का अधिकारी कौन है? कीर्तन तो हम लोग भी खूब करते हैं, खूब हरि कथा बोलते हैं, किंतु कीर्तन करने का अधिकारी है कौन? श्रीमन महाप्रभु ने कहा है, दैन्य दया अन्य मान प्रतिष्ठा वर्जन चार गुणे गुणी हो कर हो कीर्तन। ये चार गुण बतलाए महाप्रभु ने, दैन्य दया अन्य मान और प्रतिष्ठा वर्जन, जिसके भीतर ये चार गुण है वो कीर्तन करने का अधिकारी है। गुरुपाद पद्म के जीवन में देखो चारों गुण कितने सुंदर रूप में प्रस्फुटित है। पहला गुण क्या बतलाया? दैन्य। उनका दैन्य स्वभाव सुलभ दैन्य था, तृणादपि सुनिच जिसको कहा ना, स्वभाव सुलभ दैन्य था। आप लोगों ने सुना होगा वर्ष 2003 में गुरुजी को युगाचार्य की उपाधि थी। एक विश्व धर्म परिषद है और एक ब्रजाचार्य पीठ है, इन लोगों ने संयुक्त रूप से गुरुजी को युगाचार्य की उपाधि थी। ब्रजवासियों ने पहली बार बाह्य रूप से, तो गुरुजी ब्रज के बाहर जन्म हुआ ना बाह्य रूप से, यद्यपि वो आंतरिक रूप से तो वो क्या है, नित्य सिद्ध ब्रजवासी है, किंतु बाह्य रूप से ब्रजवासियों ने, ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ जब किसी ब्रज के किसी बाहर के संत को कोई उपाधि दी हो। और ये उपाधि भी क्या, युगाचार्य की उपाधि, अर्थात इस युग के आचार्य की उपाधि। गुरुजी के पास जब ये प्रस्ताव आया गोवर्धन में, पहले तो वो लेने के लिए किसी प्रकार से राजी नहीं हुए, किंतु जब उनके गुरु भाइयों ने, उनके शिष्यों ने बहुत जोर दिया तो गुरुजी लेने के लिए राजी हुए। ऊंचा गांव बरसाना में एक बहुत बड़ी धर्म सभा हुई, ब्रज के बहुत बड़े बड़े पंडित लोग आए और बहुत सारे देश विदेश के बड़े बड़े विद्वान आए, सबके सामने सभा हुई एक बहुत बड़ी, और उसमें खूब गुरुजी की महिमा का वर्णन किया, गुरुजी के विषय में बहुत कुछ बोला। और उसके बाद समारोह के बाद गुरुजी को ये युगाचार्य की उपाधि दी गई। जब गुरुजी को बोलने के लिए कहा गया, गुरुजी के शब्द देखिए कैसे दीनता की प्रतिमूर्ति जैसे साक्षात प्रकट हो रही है, त्रिनादपि सुनिश का कैसा आदर्श है। गुरुजी ने बोलना आरंभ किया और उनके शब्द थे, मैं इस युगाचार्य की उपाधि को लेने के लिए किसी प्रकार से भी योग्य नहीं हूं। हमारी ब्रज भक्ति के पूर्व आचार्य, हमारे षड गोस्वामी शिला भक्ति विनोद ठाकुर, प्रभुपाद जी के गण, ये गुरुजी के शब्द थे, प्रभुपाद जी के गण और मेरे गुरुजी, ये लोग ही वास्तव में युगाचार्य होने के अधिकारी हैं। केवल इस गौड़ीय संप्रदाय के गौरव की रक्षा के लिए, मतलब गौड़ीय संप्रदाय के किसी संत को ब्रजवासियों ने उपाधि दी है, केवल गौड़ीय संप्रदाय के गौरव की रक्षा के लिए मैं इस युगाचार्य की उपाधि को लेकर अपने गुरुजी के चरणों में दे रहा हूं। कैसा दीनता का कैसा आदर्श है, भरी सभा है और गुणगान हो रहा है जिनका, वो क्या शब्द बोल रहे हैं ये पता चलता, स्वभाव सुलभ दीनता, ये हृदय की दीनता है, ये वास्तविक दीनता, प्रतिष्ठित है उस वस्तु में, इसलिए वो दीनता निकल कर आ रही है। नवदीप परिक्रमा के पश्चात हर साल मीटिंग होती थी, गुरुजी जिस समय हम देवानंद गोड़िया मठ में रहते थे, सब लोग मीटिंग हो रही है, गुरुजी के सारे गुरु भाई लोग बैठे हैं, और प्रसंगवश गुरुजी ने शिला पावन गोस्वामी महाराज जी से क्या कहा, देश विदेश में खूब प्रचार कर दिया उस समय, और गौड़ीय वेदांत समिति के वाइस प्रेसिडेंट परम गुरु जी बनाकर गए उनको, हजारों हजारों शिष्य हैं उनके पीछे, लोग पागल हैं उनका एक दर्शन करने के लिए, किंतु ये दीनता उनके हृदय की देखिए। किसी प्रसंगवश उन्होंने शिला बावन गोस्वामी महाराज जी से क्या कहा कि महाराज आपने मुझको आश्रय दे रखा है, यदि आप मुझे आश्रय नहीं देते तो मैं कहां जाता, मैं निराश्रय हो जाता। शिला बावन गोस्वामी महाराज जी स्तब्ध हो गए, इस बात को सुनकर मीटिंग छोड़कर चले गए। हजारों हजारों शिष्य, हजारों हजारों लोग उनके मुख कमल का दर्शन करने के लिए लालायित हैं, समिति के वाइस प्रेसिडेंट है, गुरु भाइयों से भरी हुई सभा में क्या कह रहे हैं, कैसा आदर्श दिखला रहे हैं, कहते महाराज आपने मुझे आश्रय दे रखा है, यदि आप मुझे आश्रय नहीं देते तो मैं निराश्रय हो जाता। स्तब्ध हो गए, छोड़कर चले गए मीटिंग को। श्रीला पावन गोस्वामी महाराज, आप लोगों ने सुना होगा अपनी वक्तता में सब समय कहते थे
मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था, ये गुरुजी कहते थे, उनके शब्द होते थे, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं था, केवल अपने गुरुजी की सेवा करने के कारण मैंने निष्कपट भाव से सेवा की, आज सारा जगत मुझको सुन रहा है, ये उनके शब्द होते थे। शिष्यों से भरी सभा में कहते थे, मैं कोई विद्वान व्यक्ति नहीं हूँ, केवल अपने गुरुजी की निष्कपट भाव से मैंने सेवा की, इसलिए आज सारा जगत मुझको सुन रहा है। यदि बाह्य विचार से भी देखो तो जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, ये चारों जो गुण है, इनको गुण कहें ना क्या कहें, ये चारों जो वस्तु है, ये सब कुछ उनके जीवन परिपूर्णतम मात्रा में। जन्म कहाँ हुआ? ब्राह्मण कुल में, ब्राह्मणों में भी कुलीन ब्राह्मणों में, तिवारी परिवार में। ऐश्वर्य कितना था? यद्यपि उस समय में धन धान्य इतना नहीं होता था, किंतु भरा पूरा परिवार, खूब खेती बाड़ी है, पुलिस की अच्छी नौकरी है, ब्रिटिश समय में पुलिस की अच्छी नौकरी है। जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत, विद्या, पारमार्थिक विद्या के विषय में तो क्या कहें, आगे श्रवण करेंगे, खूब अच्छी, इतने अच्छे पढ़े लिखे थे, खेल कूद में इतने तेज थे कि पुलिस में बड़े अच्छे स्वाभाविक रूप में ही बड़ा अच्छा पद मिल गया, इतने पढ़े लिखे थे। और श्री सुंदर इतने थे, मैं वहां नोएडा में भी बता रहा था, हमारे श्रीधर महाराज जब मठ में आए, मथुरा मठ में, तो गुरुजी को देखकर पहली बार जब उन्होंने देखा तो कहते, मैंने गुरुजी को देखा, मुझे लगा कोई विदेशी महाराज है। और आप लोग सामने चित्र है, सामने देख सकते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता है। तो बाह्य दृष्टिकोण से भी यदि देखो, जन्म, ऐश्वर्य, श्रुत और श्री, सब कुछ उनके जीवन में परिपूर्णतम मात्रा में विद्यमान है, किंतु उनकी दीनता कैसी है? स्वभाव सुलभ दीनता। भरी सभा में गुरु भाइयों के सामने निसंकोच होकर ये कहने में उनको संकोच नहीं होता, महाराज आपने मुझे आश्रय दे रखा है। ये दीनता का जाज्वल्यमान उदाहरण है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं। दूसरा क्या कहा गुण? दैन्य के बाद आता दया। हमारे श्रील प्रभुपाद जी ने एक स्थान पर कहा कि इस महामाया के दुर्ग से यदि एक जीव की भी रक्षा कर सको तो वो अनंत कोटि अस्पताल बनाने की अपेक्षा अधिक दया का कार्य होगा, अधिक परोपकार का कार्य होगा। ये श्रील प्रभुपाद जी ने कहा है। इन महापुरुष के जीवन में आप देखो, अपने भजन आदर्श से, अपने सहज सरल व्यवहार से, निष्कलंक पवित्र चरित्र से और अपने भजन के प्रभाव से एक दो नहीं लाखों लाखों जीवों को इन महापुरुष ने क्या किया? भजन राज्य में अग्रसर किया। जो लोग श्रील स्वामी महाराज जी के समय में उनसे हरिनाम दीक्षा लेकर भजन छोड़ चुके थे, उनको भी अपने आदर्श से खींचकर ले आए भजन में, संन्यास दे दिया। श्रील स्वामी महाराज जी स्वयं क्या कहते थे पता है? देवेश कौन के प्रभुपाद जी जब हमारे परम गुरु जी अप्रकट हुए तो उन्होंने हमारे श्रील त्रिक्रम गोस्वामी महाराज जी को एक पत्र लिखा, और उस पत्र में उनके शब्द थे कि मैं संन्यास लेना नहीं चाहता था, मुझे बड़ा भय लगता था संन्यास लेने से। श्रील प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मुझे स्वप्न देते थे कि संन्यास ले लो, मुझे बड़ा भय लगता था, किंतु श्रीपाद नारायण महाराज की प्रचेष्टा से हमारे गुरुजी बार बार उनके पीछे लगते थे, अरे संन्यास लो, आपका सारा बिजनेस ठप हो गया, अब क्या करोगे, संन्यास ले लो, खूब पीछे लगते थे उनके। और उन्होंने स्पष्ट रूप में लिखा, शांत हो जाओ, श्रीपाद नारायण महाराज की प्रचेष्टा से और श्रील केशव महाराज की कृपा से मेरा ये संन्यास सिद्ध हो गया। तो देश विदेश में जितना ये प्रचार हुआ ना, इसके मूल में भी कहीं ना कहीं गुरुजी का योगदान है। तो अपने आदर्श से, अपने निर्मल पावन चरित्र से, अपने भजन के प्रभाव से लाख लाख जो लोगों को ये महापुरुष भजन साधन के मार्ग में लेकर आए, उनको भजन साधन दिया, जीवन जीने का उद्देश्य बतलाया, ये जीवों पर इनकी सर्वोत्तम दया है। और इस दया का वैशिष्ट्य क्या है पता है? इस दया का वैशिष्ट्य ये अमंदोदय दया है। अमंदोदय दया मतलब जिस जो दया कभी मंद नहीं होती। किसी भूखे को भोजन करा दो, ये भी दया है। किसी प्यासे को पानी पिला दो, ये भी दया है ना। कोई सर्दी में मर रहा है उसको गर्म कपड़े दे दो, ये भी दया है। किंतु ये दया मंद दया है। भूखे को दोबारा भूख लगेगी, जब कपड़े खराब हो जाएंगे उसको फिर कपड़ों की आवश्यकता है, प्यासे को फिर से जल की आवश्यकता है। किंतु गुरु पाद पद्म ने जो दया की है वो क्या? अमंदोदय दया, अर्थात जीव का जब भवबंधन से ही छुटकारा हो जाएगा तो फिर उसको और किसी वस्तु की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। ये है दया का सर्वोत्तम उदाहरण। ये दया कभी मंद नहीं होती। तीसरा क्या गुण बतलाया? दैन्य दया अन्य मान, दूसरों को सम्मान देना, जिसको देने में हम बहुत कुंठित होते हैं, जिसको देने में हम लोग अपने से ज्येष्ठ वैष्णवों को भी, हमारी ईर्ष्या है ना हृदय में, वो ईर्ष्या हमको अपने से ज्येष्ठ वैष्णवों को भी और हमसे अनुभवी, हमसे अधिक प्रतिभाशाली वैष्णवों को भी प्रतिष्ठा देने में, सम्मान देने में हमारी ईर्ष्या हमको बाधा देती है। किंतु महापुरुष के जीवन में देखो, कार्तिक परिक्रमा चल रही थी, गुरु जी गोपीनाथ भवन में रहते थे, एक ब्रज के मथुरा के विद्वान है बहुत बड़े विष्णु पांडे जी, मैं अक्सर उनका उदाहरण बतलाता हूँ। ब्रज के एक विद्वान है, वो गुरुजी से भेंट कर रहा है, गुरुजी के साथ ब्रज के प्राय सभी लोगों का, सभी गणमान्य लोगों के बड़ी स्नेह प्रीति थी। वो गुरुजी का दर्शन करने के लिए आए, भेंट करने के लिए आए,
और भागवत दशम स्कंध का काम चल रहा था, मैं नीचे बैठकर टाइप कर रहा था। जब वो आए उनको मिलाने के लिए ले गए गुरुजी के पास, अभी कथोपकथन हुआ, गुरुजी ने उनको खूब प्रणामी दे दी, उनको खूब माला इत्यादि देकर बड़ा सम्मान कर दिया। अभी वो गुरुजी से कहने लगे कि महाराज जी आपने बहुत सारे ग्रंथों का प्रकाशन किया, अभी श्रीमद भागवत का प्रकाशन कीजिए विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की टीका के साथ। तो गुरुजी उनसे क्या कह रहे हैं, पांडे जी मैं तो संस्कृत भाषा जानता नहीं हूं, आप संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हैं, आप मुझ पर दया करो तो आपकी दया से ये कार्य संभव हो सकता है। पांडे जी ने बात सुनी तो गुरुजी के चरणों में लोटपोट हो गए, महाराज आप कैसी बातें कर रहे हैं, इतने धुरंधर विद्वान होकर भी गुरुजी की विद्वत्ता के विषय में यदि आपने सुना हो, हमारे श्री पुरी गोस्वामी महाराज जी अपने शिष्यों को बोलते थे तुमको कुछ साधन भजन के विषय में सीखना हो तो उनके पास चले जाना, बहुत विद्वान व्यक्ति हैं। और उनकी विद्वत्ता के विषय में क्या कहें, मथुरा मठ में सभाएं करते थे, भागवत के एक श्लोक पर एक विषय को रख देते थे और बड़ी बड़ी सभाएं होती थी, ब्रज के सब बड़े बड़े पंडितों को निमंत्रित करते थे, स्वयं आओ भाई भागवत के विषय में चर्चा करेंगे, और सबसे अंत में बोलते थे और सारे पंडित लोगों को बोलने को बोलते थे, सब कुछ बोल देते थे, लोगों को लगता था अब तो कुछ बचा ही नहीं होगा बोलने के लिए, किंतु जब गुरुजी बोलते थे उस एक श्लोक की ऐसी व्याख्या करते थे, ऐसा वैशिष्ट्य बोलते थे कि सब आश्चर्यचकित हो जाते थे। रूप गोस्वामी जी की तिथि पर देखा होगा आप लोगों ने, सब लोग जब बोल लेते थे गुरुजी ऐसी महिमा बोलते थे, ऐसा निकालकर बोलते थे, लोग सुनकर आश्चर्यचकित हो जाते थे। इतने बड़े मूर्धन्य विद्वान होकर भी क्या कह रहे हैं कि मैं तो संस्कृत जानता नहीं हूं, आप मुझ पर दया करो तो मैं इस कार्य को संपन्न कर सकता हूं। दूसरों को सम्मान देना, श्री स्वामी महाराज जी के शिष्यों को देखो, यद्यपि गुरुजी के शिष्य तुल्य हैं किंतु उनको अपने साथ स्टेज पर बैठाते थे, यदि दूसरे मठ से कोई ब्रह्मचारी सन्यासी आ जाए किस प्रकार सम्मान देते थे, हम लोगों से कहते दौड़कर कुर्सी लेकर आओ, ये करो, पानी दो, जल दो, प्रसाद दो, एक छोटे से छोटा व्यक्ति भी यदि दूसरे मठ से आ जाए किस प्रकार सम्मान देते थे, अपने गृहस्थ व्यक्तियों को, गृहस्थ शिष्यों को कैसे उत्साह देते थे, आपने मेरी बड़ी सहायता की, आपने मेरी बड़ी सेवा की है, मैं आपका बड़ा ऋणी हूं, कैसे उनके शब्द होते थे, दूसरों को सम्मान देने में किसी प्रकार से कुंठित नहीं होते थे। श्रीला प्रभुपाद जी कहते हैं ना, वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, वैष्णवी प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने के कारण इन महापुरुष को ईर्ष्या रूपी जो बात है ना, ईर्ष्या रूपी जो अवगुण है कभी स्पर्श भी नहीं कर पाया, बहुत दूर में प्रतिष्ठित थे। चौथा गुण क्या बतलाया, प्रतिष्ठा वर्जन। मैं अक्सर ये बात भी बतलाता हूं, जो ये विश्व धर्म परिषद है ना, इनके संत हैं, आप लोगों ने देखा होगा गुरुजी से भेंट करने के लिए आते थे कभी कभी यहाँ पर, संतरी से रंग के कपड़े पहनते थे, बड़ी दाढ़ी रखते थे। वो एक दिन यहाँ पर आए, सभा हुई इसी दिल्ली मठ में, और गुरुजी ने प्रसंगवश उनको बोलने के लिए कहा, तो उन्होंने गुरुजी की महिमा का खूब गुणगान किया और प्रसंगवश गुरुजी को शक्त्यावेश अवतार बतलाया। यद्यपि इसमें कोई संदेह नहीं है कि गुरुजी शक्त्यावेश अवतार है, शक्त्यावेश अवतार दो प्रकार के होते हैं आप लोगों को पता होगा, जब किसी व्यक्ति विशेष में भगवान शक्ति संचरित करते हैं उसको भी शक्त्यावेश अवतार कहते हैं। जैसे शिला भक्तिविदान स्वामी महाराज जी, हमारे श्रीधर गोस्वामी महाराज जी कहते थे कि ये भगवान के शक्त्यावेश अवतार है, अर्थात विशेष शक्ति संचरित है। हमारे गुरुजी में भी देखो भगवान की विशेष शक्ति संचरित है, नहीं होती तो सारे जगत में इतना प्रचार कभी संभव नहीं था। तो उन्होंने प्रसंगवश गुरुजी की बड़ी महिमा का गुणगान किया, उनको शक्त्यावेश अवतार बतलाया। जब गुरुजी को बोलने के लिए कहा गया, भरी सभा है, अब विचार करके देखिए, भरी सभा है, गुरुजी के शब्द क्या थे, गुरुजी कहते हैं ये अतिशोक्ति हो गई। अतिशोक्ति समझते हैं, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ाकर कहना, गुरुजी कहते हैं अतिशोक्ति हो गई, मैं तो अभी कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं हुआ। विचार करके देखिए, शास्त्र कहते हैं ना, उत्तम हुई अपना के माने तृणाधम, उत्तम होकर भी अपने आप को क्या समझते हैं, तृण के समान, उत्तम हुई अपना के माने तृणाधम। शिष्यों से भरी सभा में निसंकोच होकर क्या बोल रहे हैं, मैं तो भी कनिष्ठ अधिकारी भी नहीं हुआ। यह है वैष्णवी प्रतिष्ठा ताते करो निष्ठा, वैष्णवी प्रतिष्ठा में प्रतिष्ठित होने के कारण उनको ये जो है ना प्रतिष्ठा वर्जन, ये प्रतिष्ठा रूपी जो अवगुण है कभी स्पर्श भी नहीं कर पाया। ऐसा इन महापुरुष का कैसा अद्भुत चरित्र है, स्पष्ट हो रहा है ना कैसा एक एक गुण उनके चरित्र में संपूर्ण रूप में खिले हुए कमल के समान प्रस्फुटित हो रहा है। ये कीर्तन करने का गुण है,